अल्टीमेट खोखो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल। क्या आज हमें चौथा और आखिरी सेमीफाइनलिस्ट इसी मैच में मिलने वाला है? हम मौजूद हैं कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। तो चलिए, मुंबई खिलाड़ी इस मुकाबले की पहली टर्न में डिफेंड करती हुई नजर आएगी। चार बैचेस हमें नजर आते हैं, गजानन चेंगल, पी सिवा और शिजेश ये एक बैच में है, अनिकेत पोते, सुभाशीष और सागर एक बैच में है, लेकिन आप बैचेस की परिस्थितियां बदल सकते हैं। चेन्नई क्विक गन्स, क्या बचा हुआ चौथा सेमीफाइनल का स्थान आज की आज भरेगी? टाई हुआ तो भी सेमीफाइनल गए, जीते तो सेमीफाइनल गए, तीन या उससे कम अंकों से हारे तो भी सेमीफाइनल जा रहे हैं। मुंबई खिलाड़ी शून्य पे डिफेंड कर रहे हैं, चेन्नई क्विक गन्स जिनके चांसेस ज्यादा बनते हैं कि पॉइंट अटैक करते हुए निकाले। इंतजार बहुत लंबा है इस टीम को, टीम के वजीर ने स्काई डाइव लगाई है, पहला पॉइंट भी मिलेगा। प्रतीक देवारे बाहर, दुर्गे सालुंके ने पहले पॉइंट दिलवाए हैं चेन्नई क्विक गन्स को। निशाने पे सिबिन है, स्काई डाइव की अपील है, अपील सुन ली गई है, आउट बाय स्काई डाइव, आउट बाय स्काई डाइव, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास स्काई डाइव हमने देखी है। दो खिड़कियां बनेगी, बाई विंडो में देखिए सिबिन का पीछा किसने किया, राम जी कश्यप स्प्रिंट लगाई, मैट्स की मैट की एक्शन से रिएक्शन लिया, तीसरा डिफेंडर भी आउट और रेफरल। सूरज को तो खो मिली वो सटीक थी, उस पर अर्ली राइज का नियम लागू नहीं होगा, लेकिन क्या उससे पहले लक्ष्मण वाली गणना की जाती है? तो शायद नहीं, का मतलब ये कि सूरज का खो सटीक था, उन्होंने ऋषिकेश पे प्रहार किया, वो बाहर जा सकते हैं। डिफेंडर आउट, रिव्यू सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल कह दीजिए जनाब, जब रिव्यू गंवा दिया है। और ये इंडियन ऑयल पावर प्ले की औपचारिक घोषणा। डबल ट्रबल, दो वजीर जो खेल की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन क्या यहां पे मौका मिलेगा दिशा को बदलने का? चेन्नई क्विक गन्स अटैक करते हुए अच्छा खासा कार्य पहले बैच के खिलाफ, स्काई डाइव, लेकिन वो लैंडिंग सटीक शायद उतनी थी नहीं, वजीर ने वजीर को खो दिया। डिफेंडर इकलौते बचे हैं, ये नंबर एक गजानन शेंगल, और यहां से अब अगर आप ड्रीम रन लगाते हैं तो अद्भुत काम करना पड़ेगा। फिलहाल नजरें गजानन शेंगल पे हैं, गिव अप कर दिया, दुर्वेश के बिल्कुल सामने थे, कोई ड्रीम रन नहीं। बिल्कुल सुनील, वो एकदम से आपने जो मुकाबला गंवाया था उससे कई सारी चर्चाएं हुई होगी कैंप में, क्योंकि अब तक जितने भी मैचेस खेले हैं वो या तो एक तरफा जीते हैं या बड़े क्लोज थे। रामजी कश्यप, उनकी पोल डाइव, पोल खोल दी गई है, पहला शिकार इस मैच का सागर पोलदार बाहर, सुभाशीष सांत्वा, अनिकेत पोते, यहां से अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, आगे बढ़ते रहिए। यहां पहले फेक खो दिया, ये राम जी बड़ा अच्छा काम करते हैं, पोल के पास बैठे हुए लक्ष्मण थे, कई बार खो देते हैं, कई बार सिर्फ फेक करते हैं, तो डिफेंडर चकमा खा जाते हैं कि खो मिली या नहीं, मुझे पकड़ने कौन आएगा। वो राम जी की प्योर क्लास थी। राम जी कश्यप सीजन में देखिए 62 पॉइंट कमा चुके हैं। चेन्नई आखिरी कुछ सेकेंड बाकी है, अगर 14 पे अटके रहे तो ये एवरेज स्कोर माना जाएगा। अनिकेत पोते हत्थे चढ़ गए, सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो, दो पॉइंट मिल गए चेन्नई को। सचिन बारगो, 3 सेकंड और सजीव रहना है, अपील की गई, लेकिन चलिए बचे हैं, समय की समाप्ति हो चुकी है। 16 अंक कमाए हैं चेन्नई क्विक गन्स की टीम ने उनके अटैक के द्वारा। अल्टीमेट खोखो सीजन 2 पावर बाय इंडियन ऑयल में समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का दूसरी टर्न की शुरुआत, जहां मुंबई खिलाड़ी इसकी टीम अब अटैक करेगी और डिफेंस के ऊपर आपको नजर आ रही है चेन्नई क्विक गन्स की टीम। राम जी अभी भी टारगेट पे हैं, ये रहे नंबर 65 में, कोई इनको पकड़ नहीं पा रहा। डॉज देखिए राम जी कश्यप, क्या डॉज के साथ टच भी देखिए, गजानन शेंगल ने फाइनली बड़ी मछली फांसी है, लेकिन पहला बैच अभी भी
पावर प्ले पूरा कर सकता है। समय इस मैच ने बिता लिया है और अभी भी ऐसा लग रहा है सुनील कि मदन और उनके साथी विजय शिंदे और समय बिता सकते हैं, कम से कम दो और पॉइंट ड्रीम रन के कमा सकते हैं। तो ये दोनों फ्रेश हैं और अगर आप दोनों फ्रेश हैं तो एक डेढ़ मिनट और आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो मुंबई खिलाड़ी साढ़े तीन मिनट में उनको दो ही पॉइंट मिले हैं, एक ही शिकार मिला है, जबकि चेन्नई क्विक गंस ने दो ड्रीम रन पूरे कर लिए हैं। अब आउट बाय स्काई डाइव, मदन बाहर और सक्रिय इकलौते विजय शिंदे। दो ड्रीम रन के पॉइंट्स आ चुके हैं, 10 सेकंड और दूर है विजय और उनका तीसरा ड्रीम पॉइंटर सामने है। वजीर रॉकेसन पोल का इस्तेमाल किया लेकिन तब तक छोर बदल लिया था, यानी कि सेंटर लेन पार कर ली थी। एक और ड्रीम रन आ चुका है, तीन पॉइंटर ड्रीम रन। मुंबई खिलाड़ी ने चार पॉइंट कमाए अब तक अटैक करते हुए, उनमें से भी तीन तो नलिफाई कर दिए, सिर्फ एक अंक का फासला। ओवरऑल 15 पॉइंट की लीड चेन्नई के पास। एक बात अब तय हो चुकी है कि दूसरी टर्न समाप्त होने पर लीड चेन्नई को मिलेगी, वो 10 की हो सकती है, वो 8 की हो सकती है, वो 12 की हो सकती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपना सबसे मजबूत मैच सबसे पहले भेजिए। चौथा ड्रीम रन लीजिए। 5 पॉइंट इस टर्न में चेन्नई के हैं फिलहाल, मुंबई के अटैक में 4 हैं। आप यूं समझिए कि विकेट ज्यादा गिरी, रन कम बने। चेन्नई क्विकंस ने वो करके दिखा दिया। एक और पॉइंट क्या मिलेगा, ड्रीम रन पहले या टच पहले? साथ में रिव्यू, यानी कि विजय शिंदे को यह लगता है कि उन्हें टच नहीं किया गया, या किया गया तो दिशा का नियम आया है। अर्ली राइस का मामला बहुत कम लग रहा है, मामला संगीन है जरूर, करीबी है, लेकिन ऐसे में सुनील ऐसा लगता है कि अर्ली राइस कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत ही 1 मिलीमीटर वाला था, पैर पड़ा क्या दूसरी तरफ पूरा गया। अगर आपने इस दूसरी टेप को पूरी तरह से पार कर लिया ऋषिकेश, तो डिफेंडर सेफ है, उसके बाद डायरेक्शन या टच, और टच तो खैर कोई डाउट ही नहीं है। डिफेंडर आउट, अर्ली राइस का मामला नहीं था। विजय शिंदे की बेहतरीन, अद्भुत, आला दर्जे की पारियां समाप्त। लगातार पीछा जरूर किया जा रहा है डिफेंडर्स का, लेकिन वो सफलता जिसका इंतजार है, दिशा का नियम अविक के सामने आया, उसी की वजह से अविक को अपने साथी को खो देना पड़ा। श्रीजेश पोल का इस्तेमाल किया, लगातार पीछा किया जा रहा है यहाँ सचिन भार्गव का, और ये वो खिलाड़ी विजय शिंदे, ना जाने इस तरकश के तीर को इतने समय तक कहाँ संजो के रखा था चेन्नई क्विक गंस ने। चलिए सचिन भार्गव अब बाहर गो हो गए हैं, श्रीजेश ने उनको आउट किया है, पर कमाल का डिफेंस किया, कमाल, बेहतरीन, लाजवाब प्रदर्शन चेन्नई क्विक गंस का। 14 पॉइंट से आगे हैं, पर आधा मैच अभी बाकी है, हिलिएगा मत। तो चेन्नई अगर 1, 2 या 3 पॉइंट से हारता भी है तो भी सेमीफाइनल जाएगा। क्या रॉकेसन यहां पे रॉक ऑन करके कुछ अद्भुत कर सकते हैं? फिलहाल तो दुर्वेश के हत्थे चढ़ेंगे, डॉज देखिए, रॉकेसन रॉक ऑन हमेशा करते हैं। इस खिलाड़ी ने अल्टीमेट खो को सीजन 2 में 3 ऐसे डॉजेस दिए हैं जिनका हमेशा जिक्र किया जाएगा। 3 अद्भुत डॉजेस करके इस खिलाड़ी ने अपने आप को बचाया, लेकिन इस बार बचा नहीं पाए। एक आसान सा टच, रनिंग एंड टच, रॉकेसन की पारी जरूर समाप्त हुई है, लेकिन जो डॉज इस खिलाड़ी ने करके दिखाया वो अविश्वसनीय है। वहीं क्योंकि ये तीसरी टर्न है जिसमें चेन्नई क्विक गंस की टीम अटैक करते हुए वो टारगेट निर्धारित कर रही है जिसको चेस करना पड़ेगा मुंबई खिलाड़ी, इसको पोल डाइव पॉइंट मिलेगा। तो चलिए अब एक सिंगा को भी बाहर जाना होगा, अब अभिषेक एकमात्र खिलाड़ी बचेंगे। 1.25 मिनट का खेल इनको खेलना होगा यदि मुंबई खिलाड़ी इसको ड्रीम रन का पॉइंट निकालना है। दुर्वेश, रामजी कश्यप, ये दोनों खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, अब इनके सामने पॉइंट निकालना, ज्यादा समय तक टिक के दिखाना कभी भी आसान रहने वाला है नहीं। साथ ही साथ जब जब मदन को खो मिली है उन्होंने भी अपना रोल निभाया था, लेकिन फिलहाल वो जो 7 आपको नजर आ रही है मैट पे, उसमें मदन का नाम नहीं है, उसमें दुर्वेश सालों के हैं जो वजीर हैं। तो वजीर की रोटेशन कर रहे हैं कोच, ये फंस गए। जब आप
अटैकर के सामने होते हैं तो डॉज जल्दी दीजिए। पावर प्ले ऑन। किशोर पाटिल साहब का इशारा, इंडियन ऑयल पावर प्ले, यानी दो वजीर आएंगे। दुर्वेश सालुंके के साथ सचिन भार्गव भी आ गए। और अभी 2.5 मिनट का खेल हुआ है, आपने 20 पॉइंट की लीड बना ली है। तो वहीं दूसरी तरफ ये साफ की बता रही है वो सेमीफाइनल की राह, और उसे बीच पी शिवा रेड्डी का शिकार हुआ। सुजेश का भी पीछा किया जा रहा है, तो 2 पॉइंट का और इजाफा हो चुका है चेन्नई क्विक गन्स के अटैकिंग खेमे में। वह मुंबई खिलाड़ी जो सिर्फ 8 पॉइंट पे है, डबल डिजिट तक पहुंच नहीं पाई, 22 का डिफरेंस तो यही हो चुका है। 2 मिनट 45 सेकंड का समय बचा है। श्रीजेश भी बाहर, थक गए थे, इनके एंकल में शायद थोड़ा सा ट्विस्ट है, नी को पकड़ते हुए बाहर गए थे। लीड देखिए, स्कोर देखिए स्क्रीन के नीचे, 24 पॉइंट की लीड, यानी अभी से जो टारगेट है मुंबई खिलाड़ी के लिए। एक और शिकार रिव्यू लिया है गज्जू ने, गजानन। रामजी कश्यप आते हैं, ये तो पिक्चर परफेक्ट हुए। जब मुड़ के देखा गजानन ने, उससे पहले तो खो मिल चुकी थी, तो उन्होंने क्या सोचा, जब खो मिली तो गजानन का ध्यान वहां था ही नहीं, क्या सोच के ये रिव्यू लिया, वो भी इतनी जल्दी, वो भी तब जब आपकी टीम पहले ही खस्ता हाल में है। छब्बीस में दो और जोड़िए, 28 की लीड। मुंबई खिलाड़ी को पहाड़ मिलने वाला है टारगेट का, पत्थर पे लकीर की तरह है, क्योंकि अभी से जो टारगेट है वो 32 पॉइंट का, यानी वापस आके मुंबई को अटैक में 16 टच करने पड़ेंगे। कई बार तो पूरे पूरे मैच में इन्होंने इतना काम नहीं किया जो इनको एक टर्न में करना पड़ेगा। सीधी शुरुआत इंडियन ऑयल पावर प्ले से, जब आपको 7 मिनट में कम 16 शिकार करने हो, यानी 2 टच प्रति मिनट से ज्यादा। चेन्नई ने खोई हुई रिदम पाली है, पिछला मैच हारे थे, लेकिन आज उनके मेन खिलाड़ी फॉर्म में आ गए हैं, और ऐसा लगता है कि 5.5 मिनट की सिर्फ औपचारिकता है, चेन्नई सेमीफाइनल जाने वाली चौथी टीम बनेगी। एक आसान सा रनिंग टच जरूर मिला, लक्ष्मण गावस की पारियां समाप्त होगी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं चेन्नई क्विक गन्स को और उनके खेमे को। स्काई डाइव की कोशिश है, चलिए प्रयास अद्भुत था, आउट भी दिया गया। सुमन बर्मन भी बाहर, 2 खिलाड़ी बाहर जा चुके हैं। आदित्य कुडाले एकमात्र खिलाड़ी जो इस बैच में बचे हैं, लेकिन इस बैच ने अपना काम कर दिया है, मुंबई खिलाड़ी का काम तमाम कर दिया है। हो गया। 4 मिनट का समय, बस औपचारिकताओं का ये खेल रह गया चेन्नई क्विक गन्स के लिए। हालांकि प्रैक्टिकली ऑन पेपर यदि आप हर 10-15 सेकंड में पॉइंट निकाले तो चीजें बदलेगी। ड्रीम रन आया है चेन्नई क्विक गन्स ने, मुंबई खिलाड़ी इसकी दुखती नब्ज को एक बार और दबाया है। चले ड्रीम रन लगाया, उसके बाद आदित्य कुदाले भी आउट। एक होता है कंगाली में आटा गीला, और एक होता है उस गीले आटे में कीड़े पड़ जाना। मुंबई खिलाड़ी के लिए अब स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर है। आप न तो केवल सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर जाने वाले हैं, ये एक और लीजिए, टच मिला है रॉकेसोन को, चलिए वेल डन। स्काई डाइव लगाई, सीए साहब ने काउंटिंग कर ली है कि ड्रीम रन आने वाला है 5 सेकंड में। 5 सेकंड नहीं तो 10 सेकंड बाकी, आउट हो गया एक पर ड्रीम रन आना चाहिए। ड्रीम रन 18-40, और साथ ही साथ ड्रीम रन भी आने वाला है। ड्रीम रन आ चुका है, चेन्नई की टीम 40 पॉइंट से बढ़ के अब 41 पे, आखिरी के 10 सेकंड का समय बचा है। मुंबई खिलाड़ी की टीम बाहर की राह पे, चेन्नई क्विक गन्स।
ये टिकटिकी की समाप्ति के साथ औपचारिक तौर पे वो चौथी टीम बन चुकी है जिन्होंने अल्टीमेट खो खो सीजन 2 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पुख्ता की। तो चलिए आज के दिन के दोनों मुकाबलों की समाप्ति हो चुकी है। ये दूसरा और आखिरी मुकाबला था जब मुंबई खिलाड़ी के सामने चेन्नई क्विक गन्स ने एक बड़े मार्जिन से 23 पॉइंट के मार्जिन से ये विक्ट्री ये जीत अपने नाम की।